हे गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यूपीटीबल इस वीडियो लेखपाल के लिए संधि की क्लास चल रही थी, जिसमें आज ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम आपको व्यंजन संधि पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो व्यंजन संधि देखिए ध्यान से पढ़िएगा, समझ में नहीं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो तो अच्छे से पढ़ेंगे, उनके समझ में आएगा। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं वो नोट्स बना के प्रैक्टिस कर लें। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आपके समझ में आने लगेगा कि कैसे होता है व्यंजन संधि, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। तो करंट में बात करें UPSSC के लिए वीडियो की क्लासेस चल रही हैं, वीडियो में हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर चल रही हैं। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर मुझे फॉलो करके आप कोर्स को देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको व्यंजन संधि के बारे में बताया था कि व्यंजन संधि क्या होता है, स्वर तो आपको समझ आएगा, स्वर प्लस स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि होता है। लेकिन व्यंजन में क्या होता है, देखिए व्यंजन में व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल हो, या फिर व्यंजन प्लस स्वर का मेल हो, या स्वर प्लस व्यंजन, मतलब किसी से भी एक व्यंजन का मेल होता है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो देखिए यहाँ पे क, ये देखिए क पे ये, अगर जो ये किसी पर भी ये लग गया, ये इस पर लग गया, तो यहाँ पर हमेशा देखिए ये क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाता है, ठीक है। तो व्यंजन प्लस ये हमारा व्यंजन है, तो हमारा क्या हो गया, व्यंजन संधि। इसी प्रकार ये व्यंजन प्लस स्वर हो गया, और ये हो गया हमारा स्वर प्लस व्यंजन। कैसे ये स्वर हो गया, क, ये क हमारा, इसको हम खोलेंगे तो हमारा क धन अ, तो ये हमारा क्या हो गया, स्वर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। कैसे होता है व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि होता है, व्यंजन प्लस स्वर के मेल से व्यंजन संधि होता है, और स्वर प्लस व्यंजन के मेल से हमारी व्यंजन संधि होती है। आगे चलते हैं, पहले हम देखेंगे व्यंजन प्लस स्वर से कैसे होता है। तो व्यंजन प्लस स्वर से देखिए 1 और 11 यहाँ लिखा है, ठीक है। तो आपको पता है स्वर कितने होते हैं, 11, इसलिए मैंने 11 लिख दिया, और यहाँ पे व्यंजन मतलब 1 लिखा है। तो 1 क्या है, तो चलिए 1 पहले देख लेते हैं, इसको 1 क्या है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब मैंने व्यंजन पढ़ाए थे तो उसमें एक चीज़ बताया था आपको याद करने को, ठीक है, जैसे क च ट त, क च ट त प, ठीक है, ये हो गया क च ट त प, ये हो गया ख छ ठ थ फ, ठीक है। अब इसी तरह आपका नेक्स्ट चलेगा ग ज ड द ब, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 1 2 3 यहाँ पे 4 चौथा चलेगा, पांचवा चलेगा, चौथा आपका घ वाला चलेगा, घ ज वाला, ठीक है, यह चलेगा, और इसे अड़ वाला चलेगा, अड़ या, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसा कि मैंने इधर 1 लिखा है, 1 का मेल 11 से होता है, तो 1 मतलब आपका हो गया क च ट त प, इसमें से किसी का मेल अगर जो 11 से होता है, तो यहाँ पे देखिए 3 लिखा है, तो परिवर्तित किस में हो जाता है, 3 में परिवर्तित होता है, मतलब क आपका ग में परिवर्तित हो जाएगा, च आपका ज में परिवर्तित हो जाएगा, ट आपका ड में परिवर्तित हो जाएगा, त आपका द में परिवर्तित हो जाएगा, और प आपका ब में परिवर्तित हो जाएगा। तो 1 का मेल किसी भी स्वर से होता है 11 में से, तो आपका पहला किस में हो जाएगा, तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका पहला नंबर क च ट त प का मेल 11 में से किसी स्वर से होता है, तो आपका तीसरे में डायरेक्ट परिवर्तित हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए क च ट त प का मेल जब होता है किसी भी स्वर से, अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ ऊ, तो ये आपका तीसरे में डायरेक्ट परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे वाक धन ईश्वर, ठीक है, ये हो गया क्या, क आपका किस में हो गया, ग में परिवर्तित हो गया, किस में, तीसरे में। इसी तरह वाक धन ईश, वागीश हो गया, सत धन आचार, सदाचार हो गया, त आपका द में परिवर्तित हो गया, इसमें देखिए, और सत धन आनंद, सदानंद हो गया, जगत धन ईश्वर, जगदीश्वर, और जगत धन अम्बाई हो गया, जगदम्बा, और अच धन आदि आज़ादी हो गया, ठीक है। इसमें देखिए च आपका कितने, किस में हुआ, ज में हुआ है। तो इस प्रकार से पहला आपका तीसरे में हो रहा है, कब हो रहा है ये चीज़, जब क यानी कि व्यंजन प्लस स्वर होता है, ठीक है। और तो क्या होता है, पहला आपका किस में हो जाता है, तीसरा में हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, एक और देखते हैं, अब देखते हैं स्वर और व्यंजन का, ठीक है। अब देखिए स्वर और व्यंजन में एग्जांपल देखें, जैसे स्वर हमारा क, हमारा स्वर है, क नहीं, स्वर नहीं है, व्यंजन ही है, लेकिन अब हम इसका विच्छेद करेंगे, क धन आ हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, और ये हमारा व्यंजन है, तो क प्लस स्वर प्लस व्यंजन, ठीक है। तो इसमें देखिए स्वर हमारे कितने होते हैं, 11, जब हमारा किसी भी कोई भी 11 स्वर का मेल हमारा 6 से होता है, क किससे होता है, 6 से होता है, 6 से छतरी वाला 6 से होता है, तो हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है, च 6 में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तब चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे इसको नीचे करते थोड़ा सा, जैसे
आ, हमारा आ हमारा क्या हो गया, स्वर है, और ये हमारा किससे मेल हो रहा है, छः से मेल हो रहा है, तो ये हमारा च छ में परिवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आच्छादन। इसी तरह वी प्लस छेद, ई हमारा आ रहा है, ई हमारा स्वर है, और फिर उसका मेल किससे हो रहा है, छः से हो रहा, हमारा विच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा, विच्छ धन छाया की बात करें तो विच्छाया हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर जो हम ई ई ई बड़ा ई ऊ और अ का मेल स से कराएं तो वहाँ पे कौन सा स हो जाता है, षटकोण वाला स हो जाता है, ठीक है, कौन सा स हो जाता है, षटकोण वाला स हो जाता है। इसी प्रकार देखिए वी का मेल हम सम से कराएं तो हमारा क्या हो गया, विषम हो गया, षटकोण वाला स आ गया। वी का स से कराएं तो विष हो गया, षटकोण वाला स हो गया। सु धन समा सुषमा हो गया, वी धन साक्त हमारा ये वाला विषाक्त हो गया। तो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ऐसा आपको अच्छे से समझ, मैंने पूरी कोशिश की है एकदम सिंपल सा नोट्स बना के आपको समझाने की, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, व्यंजन प्लस व्यंजन को देख लेते हैं। ये भी आपका व्यंजन, जैसे कि मैंने बताया जिसमें भी अगर जो इस तरह से लग जाता है वो आपका व्यंजन हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अब इसका व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल होता है तो हमारा पहला तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिए, लेकिन ये जो पहला आपका है वो क होना जरूरी है, ठीक है। तो पहला हमारा तीसरे में परिवर्तित होगा, चलिए देखते हैं। तिक धन गज हमारा दिग्गज हो गया, ध्यान रखिए ये क है हमारा, ठीक है, क मतलब आधा हो गया, ठीक है, इसका मतलब ध्यान रखिए आधा हो गया, अगर जो ल पे लग गया ये तो हमारा आधा ल हो गया, ठीक है। तो अभी चलते हैं, ये दिक धन गज हमारा दिग्गज हो गया, इसी तरह से परिवर्तित होगा, ठीक है। पहला हमारा तीसरे में जा रहा है, क हमारा ग में जा रहा है, तो वाग धन जाल वाग जाल हो गया, वाग धन देवी वाग देवी हो गया, और वाग धन धारा वाग धारा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए पहले का मेल यानी कि क च ट त प का मेल किसी भी तीसरे या चौथे से या फिर या र ल व से हो तो हमेशा तीन में ही बदलेगा, तीन मतलब क हमारा ग में बदलेगा, च हमारा ज में बदलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे, पहले का मेल वाक का वाक धन विस्तार तो हमारा वाग विस्तार हो गया, गय में बदल रहा है यानी कि तीसरे में बदल रहा है। वाक धन यंत्र वाग यंत्र हो गया, उत धन योग उद्योग हो गया, और तत् धन रूप हमारा तद्रूप हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें करते हैं, तो आशा है व्यंजन संधि भी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, और जैसा कि मैं बोला सिंपल से नोट्स बनाने की कोशिश की जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। बस प्रैक्टिस करिए, दो बार तीन बार याद कर लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। एक पाँच देखिए, पहले का मेल अगर जो पाँचवें से होता है, पहले का मेल पांचवे से मतलब इसमें देखिए त आपका है, त आपका पहले में आता है, जैसे क च ट त आता है ना, त आपका पहले में आता है, और आपका न आता किसमें, पांचवे में, ठीक है। तो आपका पहले का मेल पांचवे से होता है तो वो पांचवे में ही बदल जाता है, ठीक है। तो आधा हो जाता है, यहाँ पे देखिए जगत धननाथ हो गया, जगन्नाथ हो गया, तत्मय हो गया, तन्मय हो गया, चित धनमय हो गया, चिन्मय हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पे संधि विच्छेद मैंने किए हैं जो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। भगवत गीता तो हो गया भागवत गीता, देखिए त हमारा किस में बदला, द में बदला है, त हमारा द में बदला है, तो पहला हमारा किस में बदला है, तीसरे में बदला है। भगवत भजन, भगवत भजन, ठीक है। अब देखिए श्रीमद भागवत, तो ये हमारा श्रीमद भागवत हो गया। सत धन विचार, सद विचार हो गया। तत् धन भव, तद्भव हो गया। उत धन भव, उद्भव हो गया। उत धन गम, उद्गम हो गया। और सत धन भावना, सद्भावना हो गया। एतत मुरा, एतत धन मुरारी, एतन मुरारी हो गया, ठीक है। त हमारा न में बदल रहा है, आधा न हो गया, ठीक है। सत धन गुण, सदगुण हो गया। और सत धन उपदेश, सद उपदेश हो गया, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके संधि विच्छेद और व्यंजन संधि के। अब देखिए कुछ और हैं, देख लेते हैं। त या द के बाद कभी भी च या छ आ जाए, ध्यान रखिए त या द के बाद कभी भी च या छ आ जाए तो हमेशा त व द और च छ हमेशा च में ही बदल जाएगा, ठीक है। त और द के बाद च या छ आ जाए तो हमेशा च में बदलेगा, जैसे सत झन चित्र हो गया, सचित। सत धन छवि हो गया, सच्छवि। इसी प्रकार त या द के बाद ज या झ आ जाए तो हमेशा ज में बदलेगा, सत धन जन, सज्जन हो गया। उत धन ज्वल, उज्ज्वल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, त या द के बाद कभी भी ट या ठ, ट या ठ आ जाए तो हमेशा ट में बदलेगा, ठीक है। जैसे सत तत धन टीका, ये हो गया तट्टिका, और सत धन टीका ये हो गया सट्टिका, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। त या द के बाद या द या ध आ जाए तो हमेशा द में बदलेगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो को देख लीजिए, दो बार देख लीजिएगा, नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम में, वहाँ से लगा के नोट्स बनाइए, अच्छे से आपको व्यंजन संधि समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार देखिए ये हो गया बुत धंठा बुढ़ा हो गया, गत धंठा गड्ढा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, त और द के बाद ल आए तो हमेशा आधा ल में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। त या द के बाद ल आए तो हमेशा आधा ल में परिवर्तित हो जाए, जैसे उत धन लेख हो गया, उल्लेख हो गया। उत धन लास हो गया, उल्लास हो गया। और तत् धन लीन हो गया, तल्लीन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए त के बाद त प्लस है, त और ह का मेल कहीं हो रहा है तो हमेशा त हमेशा द में बदलेगा, ह हमेशा ध में बदलेगा, यहाँ पे दोनों बदलेंगे, ठीक है।
ता हमेशा द में बदलेगा और आपका ह हमेशा कितने में बदलेगा, ध में बदलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे उत धन हरण हो गया, ये हमारा उद्धरण हो गया, देखिए हई वाला लगा, ये वाला लगा है। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे वर्तनी का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे वर्तनी का भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, उत धन हार उद्धार हो गया और तद धन हित हो गया, तद्धित हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, और ये आपका लास्ट टॉपिक है। अब देखिए त और ये स का मेल, सलजम वाले स का मेल कहीं भी हो रहा है, त और सलजम वाले मेल, सलजम वाले स का मेल, तो हमारा साथ त हमारा च में बदलेगा और स हमारा छ में बदलेगा। जैसे उत धन श्वास हो गया, उच्च श्वास हो गया, उत धन शिष्ट उच्छिष्ट हो गया, और उत धन श्रृंखल उच्च श्रृंखल हो गया। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और जाइए बुक उठाइए, बुक में बहुत सारे आपको संधि विच्छेद मिलेंगे, उसको उठाइए प्रैक्टिस करिए, तो अच्छे से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।